हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे एक मैजिक वाला एक इनपुट का कुछ। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने आप मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ है, और ये एक इनपुट है जिसके अंदर मतलब टेक्स्ट का वाला मैंने दिया हुआ है। और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं जे लिखा तो यहाँ पे देखो ब्लैक हो गया। अगर मैं अगर जो भी लिखूंगा तो वो अपने आप मतलब उसका कोई भी कलर आते रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो कोई भी कलर, और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा कलर आ गया। और अगर मैं हिंदी कोडिंग क्लब लिख दूँ, हिंदी कोडिंग क्लब, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा कलर ही आ गया। तो ऐसे हम लोग ये करने वाले, और ये हम लोग बस करेंगे HTML, CSS और JavaScript के साथ। CSS तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग मतलब करने वाले HTML और JavaScript के साथ। यहाँ पे देखो कितने कम लाइन ऑफ कोड के साथ है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बस 12 लाइन्स ऑफ कोड में लिखा है, 14 लाइन्स ऑफ कोड में लिखा है। यहाँ पे देखो ये हम लोग ने ये किया हुआ है, तो ये हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसको बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने magicbg.html ओपन कर लिया, और उसको मैंने अपने ब्राउजर पे भी ओपन कर दिया है। तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाने वाले हैं ये कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को बनाने के लिए क्या करना होगा, एक इनपुट तैयार करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, जो बॉडी है उसके अंदर मैं बस यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म लिख देता हूँ, और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और पहले सेव कर देते हैं इसको, और ये जो एक्शन है ये निकाल देते हैं। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक्शन निकाल दिया हमने। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे गलती से आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इधर स्पेस डालता हूँ और ले लेंगे हम लोग ऑन की अप, ठीक है। तो ऑन की अब मैंने ले लिया, और उसके अंदर लिख देंगे हम लोग डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नहीं आ रहे तो हम लोग ये ऐसा दे सकते हैं, और डॉक्यूमेंट हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट PG लिख देता हूँ मैं, PG कलर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हम लोग को लेना है इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू वापस डॉक्यूमेंट ले लिया। फिर हम लोग को लेने मतलब एक मैं क्या करूँगा, दो एक क्लास बनाऊँगा फॉर्म के अंदर। जैसे कि जो फॉर्म है उसको मैं क्लास दे दूंगा, तो वो क्लास जैसे कि मैं दे देता हूँ एफ। और मैंने यहाँ पे ये जो डाला हुआ है ये मैंने फॉर्म के अंदर नहीं डालना, हमको मतलब फॉर्म ही चेंज होगा। तो फॉर्म चेंज नहीं करवाना है हमको, पूरा बॉडी चेंज करवाना है। तो इसके अंदर हम लोग दे देंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ, ठीक है। तो एफ मतलब ये हमारा जो क्लास है ये एफ। फिर यहाँ पे और एक डॉट दूंगा, और जो फॉर्म के अंदर होने वाला है, जो फॉर्म के अंदर क्या होने वाला है, फॉर्म के अंदर जैसे कि एक इनपुट है, तो ये इनपुट हम लोग डालने वाला है। तो इनपुट यहाँ पे हम लोग जाएंगे, लिख देंगे इनपुट, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट करूँगा और सेव करते हैं इसको पहले, और रीलोड कर दें। यहाँ पे देखो ये हम इनपुट आ गया, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ होता नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एफ डॉट ए किया, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग इसको जो इनपुट है उसको क्लास दे देनी है। तो यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ उसको क्लास, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग दे देंगे ए। फिर जो हम लोग मतलब इसको यहाँ पे लिखने वाला है वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू का मतलब जो भी अभी पहले डॉट दे देंगे फिर वैल्यू लिख देंगे, तो वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू होगी वो जो इनपुट के टेक्स्ट के अंदर है। तो सेव किया, रिलोड किया, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ नहीं रहा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ओके, ऐसे तो नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी क्लास दे दिया है मैंने, हम लोग इसको अगर नेम ट्राई करके देखते हैं। तो नेम अगर मैं देता हूँ तो नेम से क्या होता है, रिलोड कर दो, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो नेम से हो रहा है, वो क्लास से नहीं हो रहा था, लेकिन नेम से हो गया। और हम लोग आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, तो जो अपना वो कलर ले रहा है, और यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। और अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जो इनपुट है उसका थोड़ा विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसको कर देते हैं 100 pixels, और इसको भी कर देते हैं 100 pixels। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी तो एक स्क्वायर बन चुका है, अगर मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ इसकी, और ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विड्थ बढ़ा दी। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही विड्थ बढ़ा मतलब हाइट और विड्थ हो गई है, तो हम लोग इसको कर देते हैं 100 किया था तो मैं कर देता हूँ 50।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम लोग ने कर लिया, और विड्थ भी हम लोग कर देते इसका 200, ठीक है। तो ये इतना हम लोग के लिए ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे बस मतलब इसको सेंटर में ला दूंगा। तो सेंटर में हम लोग इजी वे से ला सकते हैं, जो मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, इसी मतलब रिस्पॉन्सिव तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही हम लोग अगर टॉप 50% दे दे और लेफ्ट भी 50% दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो लेफ्ट हम लोग 30% नहीं तो 40% दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने बना लिया, और अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे, और ये तो हम लोग ने मतलब अपने मैजिक ट्रिक कर ली। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे कि आपने बहुत बहुत लोगों ने ये डाइनो गेम खेली होगी, जो ये क्रोम / डाइनो गेम होती है, नहीं तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बस यहाँ पे डाइनो लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये क्रोम ने खुद बनाई हुई है ये वाली गेम, जिसमें हम लोग मतलब ऐसे कितना भी खेल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये हम लोग इसको टच कर जाते हैं, जो कैक्टस होते हैं उसको हम लोग टच कर जाते हैं, तो हमारी गेम ओवर हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक ढूंढेंगे जिससे कि अगर ये टच होता है, ये मतलब ये जो कैक्टस को टच होता है, तो कुछ नहीं होता, मतलब वो गेम चलता ही रहता है, तो आप कितना भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग तो इंस्पेक्ट कर लेंगे, और ये पहले मैं निकाल देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और कंसोल में, ठीक है। तो कंसोल में मैं क्या लिखूँगा, कंसोल में लिख दूँगा मैं रनर, ठीक है। जो हम लोग मतलब ये करते हैं उसको रनर ये लोग ने दिया हुआ है, और फिर डॉट इंस्टेंस डॉट मतलब ये जो अपने आप आ जाएगा ये ऐसा, और फिर गेम ओवर, ठीक है। तो जब गेम ओवर होता है, तो यहाँ पे मैं पहले गेम ओवर करता हूँ, गेम ओवर इक्वल टू, ठीक है। तो गेम ओवर इक्वल टू, और फिर मैं क्या लिखूंगा, ये जो हम लोग के ये होते हैं ये लिख दूंगा, और ये गलती से डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं वापस। फिर यहाँ पे मैं इक्वल टू इसे, ये ऐसा इक्वल टू नीचे हम लोग को क्या करना होगा, ये जो हम लोग का ये एरो हम लोग बनाते हैं वो ऐसा एरो बनाना होगा, फिर स्पेस करेंगे, ये दोनों डाल देंगे, ठीक है। तो इतना छोटा सा ये हम लोग ने बस एक कमांड लिखा, और अगर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा, अगर ऐसा साइन, दोनों ऐसा साइन आ जाता है, तो मतलब हमारा जो ये जो कमांड है वो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलोड करता हूँ और प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखो उसको क्लिक हुआ, और ठीक है। तो वो चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैंने गलत शायद गलत कोड लिखी, तो मैंने रिलोड कर दिया, और वापस हम लोग वो लिख देते, जैसे कि वो है रनर फिर इंस्टेंस फिर डॉट, हम लोग को गेम ओवर लिखना है, तो शायद मैंने डायरेक्ट गेम ओवर डाल दिया, तो डॉट गेम ओवर लिखेंगे हम लोग, तो वो आ जाता है यहाँ पर, डॉट गेम ओवर लिख दिया मैंने। फिर हम लोग डालेंगे इक्वल टू, फिर ये दोनों, फिर वापस इक्वल टू, और ये एरो डाल देंगे, ओके। ये शिफ्ट दबा के एरो डालना, ये एरो डाल दिया मैंने। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बस ये दोनों डाल दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, और अगर मैं इस पर स्पेस क्लिक करता हूँ और ये रन होते रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं वापस खेलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये टच होता है, और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है हम लोग को, तो ऐसे हम लोग ये कर सकते हैं। और ये हम लोग ने बस बस थोड़ा एक एक लाइन ऑफ कमांड से लिखा, और जैसे कि आप देख सकते हो, और आप मतलब आपके फ्रेंड्स को दिखा सकते हो कि आप मतलब ये ऐसे कर पा रहे हो। और ये हम लोग मतलब हम लोग अगर मेरे को वाईफाई ऑफ करता मैं, तो ये हम लोग का जो मतलब मेरा कनेक्शन है वो चला जाता, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप को विदाउट विद वाईफाई खेलना है, ये गेम ये विद विदाउट वाईफाई आता है, तो विद वाईफाई खेलना है तो आप बस यहाँ पे जाओगे, क्रोम लिखोगे, क्रोम फिर क्रोम लिखना है, ठीक है, क्रोम। और यहाँ पे अगर मैं क्रोम /, और यहाँ पे सबसे पहले मतलब ये डाल दोगे, क्या बोलते हैं, सेमी कोलन, नहीं तो ओके सेमी, ये डालना है। फिर यहाँ पे भाई अब बस डाइनो डाल दो, और डाइनो और स्लैश डालो, ठीक है। तो अपने आप ही अपना ये क्रोम ने बना के रखा हुआ है, तो इस पर आप खेल सकते हो, और ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने किया ये जो हम लोग का मैजिक है, जिससे कुछ भी आता है, और ये जो दूसरा हम लोग ने किया, जो एक लाइफ हैक है, मतलब एक हैक है जो डाइनो गेम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।